daily show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। गुज़िश्ता हफ्ते में हुकूमत के हवाले से काफ़ी सारी खबरें आईं। एक जानिब हुकूमत इस बात के लिए परेशान है कि इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील किया जाए या फिर खान साहब को इस्लामाबाद में आने दिया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत के लिए अपनी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। मुबैना ऑडियो लीक्स के साथ साथ जो दीगर मामला इस वक्त हुकूमत के लिए नमूदार हो रहे हैं, हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा का जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से उनको देख के वहाँ पर लोगों ने नारेबाजी की, और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो हवाले से बड़ी तब्दीली सामने आ रही है। इसहाक डार साहब के हवाले से वतन वापसी का परवाना अब जल्द जारी होने जा रहा है, और ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन ऑडियो लीक एक ऐसा मामला है जिसके हवाले से पाकिस्तान में एक बड़ी तारीख है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक्सर इस बात के लिए मशहूर भी है कि कहीं ना कहीं उनके पास बहुत सी ऑडियो और वीडियो टेप्स मौजूद हैं मुल्क के ऐसे आम तरीन शख्सियात की, जिसके बाइस कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा भी होता है, गुमान भी होता है, इस बात का इंडिया भी दिया जाता है कि कहीं कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने आप को सेफ महसूस करती है। लेकिन आज ऑडियो और वीडियो लीक्स का के माहिर कहलाए जाने वाली जमात के हवाले से खुद एक ऑडियो लीक सामने आई है। इस ऑडियो लीक का क्या पस मंजर है, और इस ऑडियो लीक के हवाले से जो कुछ बातें अब सामने आ रही हैं, जो कुछ वजाहतें दी जा रही हैं, क्या वो दुरुस्त हैं या नहीं? आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर साफी और तजयकार हैं। जरा इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये ऑडियो लीक कैसे मंजर आम पे है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जहांगीर साहब, ऑडियो लीक के बारे में अंदर क्या कुछ कहा गया ये तो हम सुनते हैं, लेकिन ऑडियो लीक का मंजरे आम पे आ जाना, क्या ये किसी बात की या किसी खास बात की तरफ इशारा करता है? भाई, जो एक बड़ा दिलचस्प पहलू है इस बात का, इसमें कह रहे हैं कि जो ऑडियो लीक का तो ये तस्लीम करते हैं कि ये ऑडियो लीक हुई है और वजीर आजम हाउस से लीक हुई है, और जो कुछ कहा गया है उसमें बिल्कुल ठीक कहा गया है, लेकिन उसका एंगल ये दिया गया है कि ऑडियो लीक में ऐसे कोई गैर कानूनी बात ही नहीं है, कानूनी शेल्टर उसमें मौजूद है। और जो है वो जब तो कोई बात ही नहीं है, जब एक काम किया ही नहीं है, उसका सिर्फ तस्करा किया जा रहा है, तो आप उसको प्रोपिगेट करके नेगेटिव, ये तो। लेकिन जहांगीर साहब, पीएम हाउस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से अगर कोई चीज लीक हो रही है तो ये लीक कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता। अब उसको कहीं ना कहीं कोई ऐसे मामलात हैं, कोई ऐसी कुवतें हैं जिनकी यहां तक रसाई है, और फिर ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर पे कोई आशीर्वाद सा है, तो क्या इस ऑडियो लीक के आ जाने के बाद से कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून की अपनी सफों में ये सवाल उठेंगे कि शायद नून लीग अब उस तरीके से फेवरेट नहीं रही, या कुछ मामला अब उस तरीके से बेहतर नहीं रहे? देखिए, ये तो एक पहलू है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, लेकिन मैं एक बात ही बताता हूँ कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वो बड़ा चीख रहे हैं कि अब ये हालत आ गई है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीज़ें लीक हो रही हैं, आवाज़ लीक हो रही हैं, यहाँ तो मुल्क की सलामती के फैसले होते हैं और वो भी लीक हो गए, तो कितना गैर जिम्मेदार। एक शख्स जो अपने घर को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को महफूज न रख सके, उस पर भी एक सवाल या निशान आता है कि आप अपना घर, आपको सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं मालूम है, उसका प्रोटोकॉल आपको नहीं मालूम है, एसओपीज उसके आपको नहीं मालूम है, उसको फॉलो कौन कर रहा है? अगर आपने ये चीजें चेक नहीं की तो इसकी जिम्मेदारी आप ले लें, आप एतराफ कर लें कि आप जो है एक इतने से प्राइम मिनिस्टर हाउस किसको सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सके, इसलिए मेजर्स नहीं लिए जा सके। दूसरी बात है, एक तो ये बात जाती है, ये एंगल नहीं है, चीखें दौड़ धाड़ें कि हमारे घर में जो चोर आ गया था, चोर आ गया था। अरे भाई, चोर के लिए दरवाजे भी होते हैं, कोई तरकीब भी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, आम घर नहीं है, इसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं है। लेकिन क्या पता शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो दूसरी जानिब हो, क्या पता उनको अपने काबीना में लोगों को नवाजने से शायद इस वक्त फुर्सत ना हो तो इनका ध्यान इस तरफ ना गया हो। देखिए, काबीना से नवाजने की जो बात की गई है उसके अंदर कि भाई ऐसा कर दिया जाए, ऐसा नहीं कर दिया जाए, नहीं वो तो हमारे जो है वो तो दामाद हैं हमारे, अब उनके साथ तो रियायत होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, लेकिन ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दे सकते, हम समझा देंगे मरियम को, मरियम नवाज को, कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसी को वो कह रहे हैं कि कानूनी दायरे में बात हुई है, कोई ऑफर थोड़ी कर दी, कोई काम थोड़ी कर दिया गया। उसको ऑफर नहीं कहते जी? क्या इस बात को ऑफर नहीं कहते, या काम कर देने की यकीन दिखाने नहीं कहते? और आखिर उसका जुमला बड़ा अहम है, उसका जुमला अहम है
कि अच्छा आप ऐसा चेक करते हैं तो इस हिसाबदार से मैं ये काम ले लूं। उसने कहा अच्छा ऐसा कर लीजिए। उसको और क्या है, ग्रीन सिग्नल किसे कहते हैं? एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ऐसा कर लें। अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, जाएंगे सब जरा मुझे समझाए ना, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कोई छोटा ओहदा नहीं है, एक मुल्क के सरबराह का ओहदा है। क्या मुल्क के सरबराह को ये सारी गुफ्तगू जेब देती है और वो इस तरह के मामलात में अपने आप को इन्वॉल्व करके कि किसको कहाँ रिलीफ देनी है, किसको कहाँ रियायत देनी है, कि कहाँ पकड़ करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट किस लिहाज से करना है, कौन सी मशीनरी किस मुल्क से अपोर्ट करनी है? सर ये सारे मामलात मुल्क के वजीर आजम के डोमेन के हैं, उसको जचते हैं ये सारे मामलात। देखिए वजीर आजम एटॉमिक पावर है, हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ना क्रॉस टॉक में न जाने क्या क्या बात होती है, दोस्त और दुश्मन ममालिक की बात हो सकती है और जो जो खतरात है उसकी बात हो सकती है, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो जो है वो चौराहे पे फोड़ दिया भंडारा की ये चीजें हो रही हैं। आप क्या मैसेज जा रहा है? इतना खतरनाक मैसेज जा रहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर कोई फैसला कर सकता है तो हमारे दुश्मन मुल्क को पहले मालूम हो सकता है, लीक की वजह से भारत जो है पहले उसके मेजर्स ले सकता है, इनिशिएट कर सकता है कुछ चीजें। तो आप तो एक एक पहलू ये भी आ रहा है जहांगीर साहब के, शहबाज शरीफ साहब के लंदन यात्रा के ऊपर काफी सारे सवालात उठाए गए, ये भी कहा गया कि अगर उन्हें अपने भाई से बात करनी थी, को मशवरा करना था तो टेलीफोन पे भी किया जा सकता, उसमें जाके उनसे रूबरू मुलाकात नहीं करना कोई जरूरी नहीं थी। इसका ये ऑडियो लीक जो हुई, इस ऑडियो लीक का जवाब बना के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भी कह सकती है कि देखिए भाई पाकिस्तान में कुछ इदारे हैं, कुछ ऐसी कुवतें हैं जो कि इस तरह के तमाम तर मामलात के ऊपर अपनी नजरें जमाए रखती हैं, तो इसलिए रूबरू मुलाकात होना जरूरी है। जो ये दावा कर रहे हैं उसकी तहकीकात करके आ रही है, तहकीकात को तो आपने सारी चीजें खोल के रख दी, आपने अपना मौकिफ बता दिया कि हमारे इदारे कब कमजोर है, वो कंट्रोल नहीं कर सके, कौन लीक कर रहा है, उसमें बहुत सारे इदारे हैं, IBB है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, आप सब कुछ सवाल या निशान आप लगा रहे हैं, तो आप फिर क्यों कहते हैं कि इदारे बदनाम हो रहे हैं? आप इंक्वायरी करके ये बताएं कि स्पेसिफिक बताएं कि कहां से हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका बेनिफिट कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, ये सारे चीजों का मुझे एक बात समझाए ना। आज से कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक मीडिया में गुफ्तगू करते हुए, चैनल पर निजी गुफ्तगू करते हुए इस तरह की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान के बड़े अहम अहदों के ऊपर फाइज जो लोग हैं, जो अहम इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर शक की निगाह से देखा जाता है। उसके बाद ऑडियो लीक इस तरह से आ जाना और फिर ऑडियो लीक का होना वो भी वजीर आजम हाउस से, ये सारे जो ताने बाने कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर नहीं आ रहे आपको? ये तो हम तो तजिया और तबसरा करते हैं, अब हम ऑथेंटिकेटेड खबर के तौर पर तो, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक तो नजर आ रहा है, क्योंकि आपको नहीं लगता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई बात किसी भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू के दौरान ऐसे तो नहीं कह रहे होंगे, उन्होंने कही फिर उसके बाद एक चीज आती है और उसके बाद बिल्कुल कहीं बाद में कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश की जा रही होती है, तो ये तमाम दर सूरत आपस में इंसाफ हो, इमरान खान हो और ये जो है या जो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूदा है ये हो, जब भी इनको ये लगता है कि उनके मुखालिफ को कोई फायदा पहुंचा है, ये शकूक की बुनियाद पे ऐसी सवालिया निशान लगाते हैं इदारों पे, अगर उसकी तरफ से कोई उसको फायदा पहुंच रहा है कह रहे यहाँ आप ये जो ना गैर जानिबदार नहीं है, ये इनके साथ खड़े हैं, इनको फायदा पहुंच गया तो वो इनके साथ खड़े हैं, भाई इदारे को कमजोर ना करें, आप डायरेक्ट बात करें और ये बताएं, इंक्वायरी आपस में कर की जाती है, इन्होंने कौन से जज लगा दिए इंक्वायरी ना, इस वक्त भी तो सूरत हाल यही है ना, इस वक्त जब ऑडियो लीक हुई तो ये नहीं कहा जा रहा कि इस ऑडियो लीक में जो मामला आते हैं वो क्या है और ये क्यों है, दरअसल बात अभी हो रही है कि ऑडियो लीक हुई कैसे, ये किसने ऑडियो लीक कर दी, ये तो और ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, जानबूझ के डाइवर्ट किया जा रहा है टेंशन को, किसने की, क्या की, किसके हुए और किसकी क्या बुनियाद है, किसने की का तो सवाल हमेशा रहता है ऐसी चीज का, अननोन जो है ना वो कहते हैं ना मालूम मुलजिमान पकड़ते फिरो, और इनकी इंक्वायरी का बड़ा जबरदस्त सिलसिला है कि इन्होंने अपनी एक एस्टेब्लिश कर दी है, एक टीम बना दी है इंक्वायरी की जिसमें वो जो है हसास इदारे भी होंगे जिनको सवालिया निशान बनाने की कोशिश, ऐसा लग रहा है शक की बुनियाद पर कहा जा रहा है कि एक एंगल ये भी निकलता है कि ये लोग जिसके जिम्मेदार हैं, इसकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, इसकी राजदारी के जिम्मेदार हैं, उनको आप दे रहे हैं, ये आप इंक्वायरी कर रहे हैं कोई आप जज करे, और ये इसकी इंक्वायरी आप छाप सकते हैं, आप पब्लिश कर सकते हैं, मासिस को बता सकते हैं इसके
इंक्वायरी का नतीजा क्या निकला है? ये तो सिक्योरिटी का मसला आपको बन जाए, काहे की इंक्वायरी? अंदर ही अंदर तो आप सबको मालूम है कि क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, क्या झूठ है क्या सच है। आप किसको उलझा रहे हैं, किसको बना रहे हैं? अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ की हलकों से बात कही जा रही है कि हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है, और ये जो ऑडियो लीक वाला मामला जैसे ही मंजर आम पे आया, कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ अब कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। खान साहब के मामला अदालतों से बेहतर हुए, वहां सूरत हाल बेहतर हुई, कुछ अहम मुलाकातों का तस्करा हुआ, फिर इस तरह की जो चीजों का डेवलपमेंट होना, यकीन तौर पर तहरीक इंसाफ अब अपने आप को ज्यादा मजबूत या ज्यादा कॉन्फिडेंट पोजीशन में अपने आप को महसूस कर रही होगी? ये तो आपका जो है ना क्राइटेरिया, या हम जो है इस तरह नहीं कह सकते कि वो मजबूत हो रही है कमजोर हुए हैं, लेकिन उनका बयानिया तो सर कोर्ट क्यार कर रहा है ना। एक बात हो रही है और बहुत खतरनाक है कि ये इदारों पे काउंटर अटैक कर रहे हैं, आपस पे जो है काउंटर अटैक करते हैं, जवाबी हमला करते हैं। अगर उधर की लीक हो रही थी तो जब आपको बहुत अच्छा लग रहा था, बयान कर रहे थे आप, काउंटर अटैक हुआ, इधर की हो गई तो आपको बुरा लग रहा है, मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई है, तो ये रिवायतें डालते क्यों हो? ये लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ाते क्यों? कौमी मुफाद नहीं है इसकी, मुल्क की सालमियत नहीं है, इसकी सलामती के लिए कुछ करना नहीं है, इदारे नहीं है। अब कौन ये बताएगा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है? ये जो है जो साइफर का स्कैंडल था कि वहां से खत आया, यहां से तो पूरी दुनिया को हो गया कि प्राइम मिनिस्टर का हाथ महफूज नहीं है, वहां तो टेलीफोन में मुमकिन है बाहर के टेलीफोन अटैक करने, टेप करने का भी सवाल पैदा हो सकता है। हर चीज को सवाल निशान डाल दिया ना, सवाल या निशान का जवाब ढूंढना होता है कौम को, सवाल ये निशान डाल के कोई माथे पे नहीं बैठ जाते। लेकिन अगर आप ये सोचें ना कि अगर पीएम हाउस खुद अपने आप को इतना गैर महफूज महसूस कर रहा है, वजीर आजम मुल्क का मौजूदा इस बात का सवाल उठा रहा है कि उसकी गुफ्तगु कौन आखिर रिकॉर्ड कर रहा है, कौन इसको शाया कर रहा है, तो सर ये तो फिर आप ये बताएं कि आलमी मीडिया में क्या हम आलमी सतह पर क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकते हैं? कौन है जो हमसे आके इस तरीके से गुफ्तगू करेगा, अपनी अपनी राज की बातें करेगा अपने आप? तो यही मैं इसका जवाब यही दे रहा हूं कि वो जो है कि नथिया गली में रिकॉर्ड की गई है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में की गई है। प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी किसके पास होती है, इसका जवाब दे कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके घर का जो है हाउस कीपर है वो, मालिक है वो। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्त कमजोर होती नजर आ रही है? ये जब ग्रिप कमजोर होती है उसकी अलामत जरूर है। इसकी वजह यह है कि इस तरह के उलझाव वाले सवालात पैदा किए जाते हैं, वो इधर से हों या उधर से हों, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से हों या इनकी तरफ से हों। ये बताओ सैलाब कहां चला गया, ये तबाही कहां चली गई, 3.5 करोड़ आवाम की फिक्र की कौन सी बात कर दी गई है, और एक दूसरे को ये बता रहे हैं कि वो प्लांट वो ले रहे हैं, आधा आ गया पहला आ गया। पहले जो है सन 20 में जो है वो पाबंदी लग गई थी कश्मीर के इशू की वजह से, फिर उसके बावजूद ये नहीं अभी आना चाहिए था लेकिन आ गया, उन्होंने कहा वो तो पहले का फैसला था, हमने तो पहले मंगा लिया था, वो अब आ रहा है, लेकिन वो तो उस वक्त जब पाबंदी नहीं थी उस कानून के तहत मंगा। ये गोरख धंधा, ये छलाकियां। सवाल जाकिर साहब मैं छोड़े जाता हूँ ब्रेक की तरफ, कि ये जो हिंदुस्तान के साथ तिजारत के और पावर प्लांट्स की खरीदो फरोख के और इस तरह के हमेशा नून लीग के दौर में ही क्यों रहे, ये सवाल मैं आपकी तरफ छोड़ जाता हूँ। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ये सवाल मैंने छोड़ा था ब्रेक पे जाने से पहले जहांगीर साहब की खिदमत में, कि क्या वजूहत है कि जब भी मुस्लिम लीग नून का दौर आता है तो हिंदुस्तान से रकाबत के मामलात कुछ बेहतर नजर आते हैं, कुछ तिजारत के मामलात नजर आते हैं, कुछ लेन देन की सूरत हाल नजर आती है, और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि मुल्क में मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि मुफ्ती इस्माइल साहब ने बाजाबता ऐलान कर दिया, वो चंद ही घंटों के अंदर बाकायदा अपना इस्तीफा वजीर आजम तक पहुंचा देंगे, तहरीरी इस्तीफा ये दिया जाएगा, जिसके बाद इस पोजिशन को एक बार फिर से इसहाक डार साहब संभालेंगे। ये इसहाक डार साहब वही शख्स हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त काफी अरसे से
मतलूब हैं, पाकिस्तानी कौम उनको देखना चाहती थी, पाकिस्तान की सियासत में उनका तस्करा जरूर रहा, लेकिन वो अरसाए दराज से बीमारी या दीगर वजूहात की वजह से लंदन में मुकीम थे। अब सवाल ये भी होगा कि जो शख्स इतना बीमार था, इतना अलील था कि वो कई सालों तक मुल्क में वापस लौट ना सका, क्या वो मुल्क में अब आके मुल्क की इतनी बड़े अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए फिट होगा, मेंटली फिजिकली और हर एतबार से क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि वो मुल्क में आके मुल्क का एज अ फाइनेंस मिनिस्टर काम कर सके। ये भी याद रहे कि खुद इसहाक डार साहब कहते हैं कि मेरी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं, तो अगर इसहाक डार साहब मौजूदा सिनेरियो में देखें तो कई सालों से फाइनेंशियल सर्किट से पूरी तरीके से दूर नजर आते हैं, तो वो शख्स जो कि कई सालों से फाइनेंशियल सर्कल से दूर हो, क्या वो आके मुल्क की माशी बागडोर संभालने का अहल भी होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जहांगीर साहब पहले आते हैं, जरा ये हिंदुस्तान के हवाले से बात कर रहे थे, रकाबत बढ़ती हुई नजर आ रही है, बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक है, हमेशा से देखते हैं कि जब वहां से डेलीगेशन आते हैं तो जाती उमरा में ठहराया जाता है, साड़ियों के तहाइफ पेश किए जाते हैं, और फिर लेन देन पावर प्लांट्स और दीगर मामलात में दुबई में भी काफी सारी डील्स हैं जो अक्सर मंजर आम पे आती रहती हैं। सर ये नून लीग के दौर में क्यों नजर आता है सब कुछ? देखिए नून लीग का एक रास्ता है, एक रुख इख्तियार किया हुआ है, पंजाब जो है वो भारतीय पंजाब जो है उससे एक ताल्लुक है कल्चर का, और कल्चर वहाँ ये कहते हैं कि ठीक है अगर यह नहीं आती है तो यहाँ जो है अब किसी ऐसे प्राइवेट चैनल से काम कर दिया जाए, उसकी बुनियाद है अभी भी आता है थर्ड पार्टी कहते हैं इसको, स्मगलिंग दूसरे मानों में दूसरे लोग स्मगलिंग सर क्या लेन देन की बात है, नहीं थर्ड पार्टी की बात आप कर रहे हैं ना वो भी ठीक है, लेकिन मैंने कहा ये बहुत बड़े पैमाने पर अगर तिजारत नहीं होते तो इलीगल तिजारत जारी है। आजम की बात करें स्मगलिंग थोड़ी हो सकती है, तिजारत हो रही होगी ना, पर तो आप तो कह देते हैं चलो तिजारत से अगर और कोई मुकद्दस लफ्ज है वो भी कह देते हैं, लेकिन मसला ये होता रहता है, ये अगर ये चीजें ये इल्जामात लगे हैं तो इसकी कोई वजह है और ऐसा हो रहा है, और ये भी खबर आ रही है कि एक एनर्जी प्लांट लेना चाह रहे हैं और कुछ इनके हक में ये है, और इस वक्त जो है सैलाब की वजह से तो एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ रहे हैं, हमारे उन्होंने कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी। लेकिन जहांगीर साहब मैं एक समाजत का कता कला तहरीक इंसाफ के बारे में मुझे एक चीज का क्लियर कर देना, अगर हुकूमत हिंदुस्तान से तिजारत करना चाहती है और हुकूमत को लगता है पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर फैसला है, तो आवाम को कॉन्फिडेंस में लेके आवाम को बता के फैसला किया जाए या बंद दरवाजों के पीछे सारे मामला तय होने, रात की तारीखियों में मामला तय होने, ऑडियो लीक की सूरत में सूरत हाल आवाम तक पहुंचेगी, क्या तरीकेकार होना चाहिए इसका? मसला ये है कि इनकी तहरीक इंसाफ की बात ले लो, ये 11 जमातों की बात ले लो, सब ये चाहते हैं कि पड़ोस से तिजारत होनी चाहिए, लेकिन ऐसा स्कैंडलाइज्ड हो गई है सूरत हाल, और भारत ने कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो ये होने नहीं देती, वो कहते हैं उन्होंने हमें जंगों में जो है डाला है, झोंका है, आप ये खेल नहीं खेल सकते, अब खुल के तो खेल नहीं सकते, अब कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं, कोई भी सियासी जमात है, ये इनके बारे में नहीं कहा जाता है, तहरीक इंसाफ इमरान खान के बारे में नहीं कहा जाता है कि उन्होंने बहुत पींगे बढ़ाई और उसी दौरान में जैसे ताल्लुकात बढ़ रहे थे अचानक कश्मीर की सियासी हैसियत खसूसी हैसियत खत्म की गई और 20 में पाबंदी लगाने के उसके बाद से तो हम देखें ना मुस्तकिल जमूद है, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी खान साहब ने इस बात का ऐलान किया, तकरीरों में बात कही, लेकिन अगर हम देखें ना यहाँ पे तो बाकायदा तिजारत हो रही है, यहाँ पे तो बाकायदा जाती ताल्लुकात को फरोग दिया जा रहा है। ये कहते हैं एक तबका ये है जो वो सेठ दाऊद वाला तबका है, वो ये कहता है हमारे एमसीबी के जो हेड हैं वो ये कहते हैं कि भारत से तिजारत होनी चाहिए, ये एक जो है ना टेस्ट एक इंजेक्शन लगाते ना, टेस्ट इंजेक्शन फूल गया तो समझ लीजिए कि रद्द रिएक्शन आ रहा है, छोड़ दो, और अगर कोई बात नहीं हुई तो इंजेक्शन ठोक दो, ये तो इस तरह की बातें जब हो रही हैं तो इसका मतलब है चेक किया जा रहा है कि अमल क्या आएगा, इनका लाए अमल है, इनकी प्लानिंग है, अंदर अंदर बहुत है, और ये कुवतें अगर किसके साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका तो शायद मतलब ये भी निकलता है कि ऑडियो लीक शायद मुस्लिम लीग नून ने खुद किए ताकि आवाम तक इस तरह की बात पहुंचे और फिर शायद लग जाए, वो सवाल बरकरार रहता है, आपकी नजर में सवाल है
ये सवाल तो है ना, कोई भी सवाल उठा सकता है कि यार ये तो ऐसा होता भी ना है। तहरीक इंसाफ के बारे में क्या कहते हैं ये लोग? यही कहते हैं ना कि यार ये लोग खुद ही चलाते हैं हमारी ऐसी बातें, और जो है हवा देते हैं और सियासत को जो है गरमाते हैं और तमाशा करते हैं। अवामी रद्देअमल को जांचा जाता है और फिर एक ऐसा रास्ता को जाता है साफ नजर आए तो फिर जो है वो कर दिया जाता है अमल दरामद, ये कर दिया जाता है। अब जरा दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा और गुज़रा 3 से 4 माह में बड़े कड़े फैसले लिए। इन तमाम तर फैसलों के नज़र में मिफ्ता इस्माइल साहब को अवामी मकबूलियत तो क्या मतलब, उनको जो कुछ सहना पड़ा, जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ा वो अपनी जगह पे। अब तमाम तर मुश्किल फैसले लिए गए, डॉलर नीचे की तरफ आ रहा है, पेट्रोल नीचे की तरफ आ रहा है, इंटरनेशनली हम देख रहे हैं ऑयल की प्राइसेस कम आ रही है हो रही हैं, एडेबल ऑयल की प्राइसेस कम हो रही हैं, दीगर सूरत हाल है। लेकिन अगर इसहाक डार साहब की तरफ अगर हम नजर डालें, अब इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, वजीर आजम के जहाज में बैठ के इसहाक डार साहब गए थे खामोशी से चुपके से बैठ के, वजीर आजम के जहाज में आ रहे हैं और वजीर आजम के जहाज में आ रहे हैं, सर ये कुछ दोहरा सा मयार नहीं नजर आता? और क्या इसहाक डार साहब इस बात के लिए तैयार भी है कि वो कुछ काम कर सके? देखिए आप गौर से सुनिए, बड़ा आपने सवाल तो बड़ा खरा है, तो अब उसका जवाब भी आप सुने। देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब एक जो है कुर्बानी का बकरा आर्जी इंतज़ाम था, और वो जिद बड़े सख्त तरीन और तल्ख तरीन फैसले कराने थे और वो इसहाक डार पे आँच नहीं आने देना चाहते थे, इसको बहुत पवित्र और बहुत बड़ा साइंटिस्ट मानते ना इकोनॉमी का, इन पर जब नहीं वो शख्स गालिबन 5 से 7 6 साल हो गए वो सर्कल से दूर है इसहाक डार साहब। आप पहले इसका जवाब हम हासिल करते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को आर्जी इंतज़ाम के तौर पे तल्ख तरीन फैसले उनसे कराए गए, सारी बदनामी आई। हमेशा एक नया अफसर आता है तो वो कहता मैं तो नया हूँ, ये तो पुराना कर गया है, और उधर से डांट भी उनको पड़ी। अब वो वही नवाज शरीफ का कहना है और वही शहबाज शरीफ का कहना है कि ये उसकी टीम में रहेंगे और इनकी कारकर्दगी को हम सराहते हैं। कल हमने सुना था कि बहुत नाराज जा रहे हैं उनसे। जांगे साहब एक सवाल मैं कर लूं मासूम जी, जी सर ये बात आप समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब का इस्तेमाल किया गया, मिफ्ता इस्माइल साहब आर्जी इंतजाम के तौर पर, और ये वो भी जानते थे कि इसहाक डार की मौजूदगी में जो भी सेटलमेंट होगा वक्ती तौर पर होगा, और मुश्किल फैसले कराने के लिए इसहाक डार साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब का इस्तेमाल भी किया। अब डाटा भी ये तो गलत फैसले हो रहे हैं, अब वो सही करने आ रहे हैं। लेकिन डॉलर कहां पहुंच गए, तबाही पहुंच गई, ये नहीं देख रहा हूं कि आपकी इस सारी के पीछे क्या गेम है। मैं सवाल आपकी तरफ फेस करता हूं, क्या मिफ्ता इस्माइल साहब ने जान बूझते हुए इस मुश्किल कदम को उठाया तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बेनिफिट्स भी देखे होंगे, और इस तमाम तक 3 से 4 5 माह के अरसे में उन्होंने अपने लिए भी कुछ ना कुछ तैयारी जरूर की होगी? ये तो जाती साहब वो है हमला है कि आप ऐसा एंगल दे दें कि उन्होंने किया होगा। सर अगर मैं आपसे पूछूं, हाइपोथेटिकल बात है ये, सर मैं हाइपोथेटिकल मफरूजा कहते हैं, मफरूजे का जवाब मफरूजा हो सकता है, मफरूजे के ऊपर मफरूजे का जवाब ये क्या शायद ऐसा हो सकता है शायद नहीं हो सकता। नहीं चले मैं आपसे पूछता हूँ, एक आपको मैं अगर ये कहूँ कि आपने ये काम करना, ये काम बड़े मुश्किल है, इसमें हर तरह की बुराई है, इसके बड़े बुरे सारे बुरे असरात हैं, आप अगर वो काम करने के लिए जानते हुए राजी हो रहे हैं तो फिर आपने कहीं ना कहीं उसके लिए कोई हरजाना तो मुकर्रर करना होगा ना, तो हरजाना कौन दे रहा है? नहीं देखे फ्रंट लाइन में आ गए हमेशा के लिए, ये वजीर खजाना पाकिस्तान का एटॉमिक पावर, इतना बड़ा मुल्क, पांचवा बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन होता है बैकबोन? वजीर खजाना होता है, वो बन गए, उनका प्रोफाइल बदल गया, फ्रंट लाइन के लीडर हो गए वो, अब उसी बुनियादी चीजों में बैठेंगे, ये उसका हासिल है। और अगर उनको कारोबार को कोई फायदा पहुंचा है तो हम पूरे दावे से नहीं कह सकते। आपको लगता है पहुंचा होगा? हाँ पहुंचा भी होगा और नहीं पहुंचा होगा, हम तो उस वक्त डेफिनेट बात करेंगे जब हमारे सामने कुछ बात। चलिए अब इसहाक डार साहब आ रहे, चलिए अब इसहाक डार साहब की वापसी के ऊपर बात कर लेते ना। इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, और पहले तो सेनेटर जिस अंदाज से उनको बनाया गया, मुल्क में मौजूद नहीं थे लेकिन वो सेनेटर बन गए। सर ये तमाम तर सूरत हाल है हमारे जमहूरी ढांचे के ऊपर कितना बड़ा सवाल है। बहुत खूबसूरत बात कह दी आपने, जमहूरी ढांचा, ढांचा जैसे इंसान का ढांचा होता है ना वैसी हमारा जमहूरी ढांचा है, हमारे जो है ना उसके कुछ नहीं है, गोश पोश कुछ नहीं, वो ढांचा रह गया है, उसका नाम जमहूरी ढांचा। आप बहुत खूबसूरत बात कह दी आप। अब आप आइए इसहाक डार की तरफ,
उस डिमोरी ढांचे को संवारने, उस पर खाल चढ़ाने के काम पर ये मामूर किए गए हैं और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट समझे जाते हैं। अब जब डॉलर का तहस नहस हो गया और जो IMF ने जो शरायत दी थी उस अब थोड़ी सी वो कहते हैं कि चलो सैलाब की वजह से नर्म कर दें, वो भी क्रेडिट ले रहे हैं हमने ऐसा कर दिया। अब जब वो आएंगे सर तरीके साहब वाले तो कह रहे हैं सैलाब की आवाज बड़ी सारी आई है, मैं ये भी बता दूं कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं इन्होंने पिछली अपनी हुकूमत के दौर में आर्टिफिशियली कंट्रोल किया था डॉलर को, जिसके नतीजे इंतहाई खतरनाक साबित हुए थे। अब ये क्या करें, आर्टिफिशियली ब्रेक लगाएंगे, जंजीर खींच के जो है ट्रेन रुक जाएगी, खतरात मंडला रहे होंगे और जो कुछ का कुछ हो रहा होगा और ये कह रहे होंगे कि ये देखें हमने ऐसी सूरत हाल में खड़ा कर दिया कि दिलो जान से लोग जो आर्टिफिशियली किया जाएगा या मिफ्ता इस्माइल साहब और है कहां इतना कुछ डिले कर गए। अब जैसे अगर पेट्रोलियम मसूआत की बात करें, जब तक सफाई करवानी थी ना जब तक उनको रखा, डिले जो ना सर आप कह रहे हैं कि हाथ ताले होने के लगा था थे और अब अच्छा अच्छा करना, सब तल्फाज बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा सर, आप कह रहे हैं सफाई करवानी थी, डिले सफाई करवानी थी तो सर सफाई कराने में हाथ काले होते ना सर, ये किस चीज की सफाई, ये तो हीरे जवाहरात की भी सफाई हो सकती है जो आपके दूसरे लीडर ने घड़ियों की सूरत में की हुई है। आप दूसरी तरफ भी तो थे जो हर जगह ही सफाई हो रही है ना। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि इसहाक डार साहब जो प्लान लेके आए हैं उनके पास जब डॉलर नहीं है, आप मालूम है क्या हो रहा है कि जो बाहर से आएगा, बाहर से जब आएगा ना $10,000 डिक्लेयर करेगा और जो बाहर से बाहर जाएगा वो $5,000 डिक्लेयर करेगा एयरपोर्ट पे। अब वो ये इस तरह आएगा डॉलर, इस तरह जाएगा, डिक्लेयर कर करके आएगा, सारी चीजें रुक जाएंगी। ये समझ रहे हैं कि इससे जो है ना हमने प्लान लेके आ रहे हैं ना, प्लान क्या है, प्लान के ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम में, ब्रेक शामिल करते हैं क्योंकि प्लान जरा जानना बड़ा जरूरी है। ये सागदार आएंगे तो काम क्या करेंगे, वो कौन से इकदाम आते हैं, जो सागदार साहब सोच क्या है जिसके हवाले से वो अक्सर बेशतर मिफ्ता इस्माइल के इकदाम के ऊपर सरजनिश करते हुए भी नजर आए, वो प्लान क्या होंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इसहाक डार साहब की वतन वापसी, यकीनी तौर पे इस वापसी के बाद सियासी हलकों में काफी ज्यादा बहस छिड़ गई है। इसहाक डार साहब के बारे में ये बात तो मशहूर है कि वो काफी सारे मुश्किलात का शिकार रहे हैं, माजी में काफी सारे मुकदमात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उनका जो रिसेंट जो भी मीडिया इंटरेक्शन हुए उसमें इसहाक डार साहब कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए। करप्शन के हवाले से पूछे जाने वाले सवालात, मिल्कियत और असासों के ऊपर पूछे जाने वाले सवालात, शायद वो किसी भी सवाल का उस तरीके से जवाब देने में मुतमईन नहीं कर सके अवाम को, ना ही उन प्रोग्राम के मेजबानों को। लेकिन अगर दूसरी जाने बात की जाए तो इसहाक डार साहब एक बार फिर से पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करने के लिए पाकिस्तान लौट रहे हैं। ये वही शख्स है जो कि कई सालों से पाकिस्तान इस वजह से ना आ सका जो कि अपनी बीमारी की वजह से पाकिस्तान से दूर रहे और उसके बाद लंदन में ही मुकीम रह के उन्होंने अपना इलाज करवाया बकौल इसहाक डार साहब के। लेकिन क्या इतनी अलील होने के बावजूद, इतने ही बीमार होने के बावजूद इसहाक डार साहब जो कि फाइनेंशियल सर्कल से काफी अरसे से दूर थे, क्या वो इस बात के लिए तैयार हैं कि एक ऐसे मुल्क की मीशत को संभालने के लिए इकदाम उठाएं, कमर बस्ता हों जो कि ऑलरेडी बड़े सारे मुश्किल से घिरा हुआ है, ये बड़ा सवाल होगा। जहांगीर साहब गालिबन इसहाक डार साहब के तजुर्बे से कोई दो राय भी नहीं हो सकती, बड़ा जबरदस्त तजुर्बा है, फायदा पहुंचाने वालों को बड़ा फायदा पहुंचाया, नफा पहुंचाया, बड़ा काम किया उन्होंने अपने दौर में। लेकिन इसहाक डार साहब ही के इकदाम थे जिसके बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब ने गालिबन 2018 में काफी सारी बातें कही और उनके किए हुए इकदाम को चैलेंज किया, फिर उन्होंने वजारत संभाली और फिर वो तमाम तरह इकदाम को रिवर्स भी किया। अब ये सिचुएशन उलट हो रही है, मिफ्ता इस्माइल साहब थे, मुश्किल फैसले मिफ्ता इस्माइल साहब ने किए, तमाम तर बुराई, तमाम तर तनकीद का सामना उन्हें करना पड़ा और अब इसहाक डार साहब एक बार फिर से हुकूमती तैयारी में बैठ के पाकिस्तान आ रहे हैं। शर्तियां नहीं कॉपी,
एक फिल्म होती है ना पुरानी फिल्म को जो है नए डब्बे में डाल के कहते हैं शर्ती और नई कॉपी उसको सर, लेकिन वो तो सही है लेकिन प्रोटोकॉल आप चेक करें, वजारत उज़्मा का वजारत वजीर आजम की तैयारे में बैठ के हुकूमत के तैयारे में बैठ के वो शख्स वापस आ रहा है जो आज से कई दिनों पहले तो वो भी वजीर आजम के तैयारे में गए थे तो फिर उनका हक होंगे ना। अब अभी बताएं वो भी वापस ही क्योंकि उससे कम स्टेटस पे आएंगे वजीर आजम है जिसमें आए वो तो पाकिस्तान की रीत है। सर सवाल ये जानिए साहब कि क्या जब इनकी हुकूमतें होंगी तभी ये मुल्क में वापस आया करेंगे, जब इनकी हुकूमतें नहीं होंगी तो ये मुल्क में नहीं रहेंगे। एडवांटेजेस थे जो तहरीक इंसाफ को जो अलग किया गया उसके एडवांटेजेस ये थे कि नैब के कुछ केसेस हैं उसको एड्रेस किया जाएगा, और दूसरा ये होगा कि अब ये जो ये आ रहे हैं अपनी मर्जी के फिर वही हुकूमत आएगी, अब जो है नवाज शरीफ आ रहे हैं वही आएगी। इसका मतलब है कि ये जो सन 2018 से ये जो नया सिलसिला था अब वो मुकम्मल तौर पर बंद होने चला है और वो पुरानी हुकूमत बहाल हो रही है। तो ये तब्दीली का नारा कहाँ गया, तब्दीली आई है या पीछे रिवर्स? सर मुझे सवाल का जवाब देते ना, लोग ये पूछ रहे हैं इसहाक डार साहब काफी अरसे से फाइनेंशियल सर्कल से उस तरीके से मैं मौजूद नहीं ना ही किसी बड़े इदारे में के साथ मुंसलिक हैं, वो तो खुद कहते हैं मेरे तो कोई असासे भी नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, जो कुछ है मेरे बेटों का है जो के पाकिस्तान के कवानीन के एतबार से जवाबदेह भी नहीं है। सर मुझे ये बताएं कि क्या इसहाक डार साहब इतने बीमार रहे हैं कि इतने सालों से लंदन में मुकीम थे, क्या वो इतनी बीमारी के साथ इतनी मुश्किलात के बावजूद फाइनेंशियल सर्कल से दूर रहने के बाद ये सारे मामला संभालने के लिए तैयार भी हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद है इनके पास? देखिए फाइनेंशियल सर्कल तो शायद वो दूर रहे लेकिन फाइनेंस से दूर नहीं रहे, वो फाइनेंस से दूर नहीं कहा सर मैंने आप फाइनेंस की बात नहीं, फाइनेंस से दूर नहीं कहा, नहीं फाइनेंस का जो है वो उनको काफी तजुर्बा है, आप दूसरे फाइनेंस की बात कर रहे हैं। आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, मैं जो कह रहा हूँ मैं वही कहूंगा ना, यार आप कौन से फाइनेंस की बात, मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंस है वो बाहर का भी फाइनेंस हो सकता है, अब बाहर से भी ला सकते हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, बैरूनी फाइनेंस में कह दिया मैंने पहले, शायद मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ वो अब आप मुझे अपनी अल्फाज मेरी जबान में डालने की कोशिश ना करें सर, आप जो कह रहे हैं दोस्त साहब मैं तो उसकी तर्जुमा तशरीह करना चाह रहा हूँ। चलिए तशरीह का बात मैं कहूँ तशरीह आप कर रहे हैं, हमें समझा है ना, ऑडियंस देख रही है, मुझे आप मौका दें तो मैं तशरीह करें सर, आप कर ले सर। देखिए मसला ये है कि वो 5 साल दूर रहे, उनका तजर्बा नहीं रहा, उनके फाइनेंशियल बुक्स टच नहीं रही और उसका पूरा माहौल नहीं रहा, तो उनको यहाँ आने का हक क्या है एक नए जैसे आने का हक है, लेकिन बड़े किरदार होता है ना, आने का आने जाने का हक तो कोई भी दे सकता है, उनका मुल्क है, लेकिन उस जिम्मेदारी पर बैठने का, मुस्नद पे बैठने का, वजीर खजाना हक होने का हक है, ये है सवाल। और उनको रिश्तेदारी यही वाली तो सर, नवाज शरीफ साहब के साथ उनके ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारी है काफी आज तक ये जो ना ओनली क्राइटेरिया पाकिस्तान की जमहूरियत का, रिश्तेदारियों से कहां निकल सकी है, तो ये हमारी जमहूरियत की क्राइटेरिया ना जाहिर साहब, आप बरतानिया की जमहूरियत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत शहबाज शरीफ के बेटे जो है सलमान शरीफ वो वजीर आला बने थे, अभी अगर ऐसा कुछ वहां की पंजाब असेंबली में फर्क आता है तो वही बनेंगे, अब जो है वो दामाद हैं तो वही बनेंगे, अगर वजीर आजम पाकिस्तान 3 दफा है तो 4थी दफा भी बन सकेंगे। अच्छा मजे की बात कहाँ आई है, दूसरी जमातें कोई ले लें कि वो उनका बेटा बनेगा, वो उसका वो बनेगा वो उसका बनेगा। अब यार ये सारी चीजें देखें, ये गरीब लोग हैं, अब ये जो सैलाब में है ना ये अमीर लोग हैं, ये सैलाब में डूब रहे हैं जिनकी जानें निकल रही हैं, ये कि अपनी जान दे दी इन्होंने, कीमती तरीन शह थी वो जो कौम पे लुटा दी, इनकी कौन सी चीज लुट रही है, इनको तो हासिल मुझे, मुझे मुझे मैं आपकी सारी बात समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बड़ी सिंपल सी बता दें, गालिबन 2017-18 से इसहाक डार साहब पाकिस्तान से दूर रहे, ठीक है, और वो पाकिस्तान से दूर होने के बावजूद बीमार भी थे और यकीन तौर पर हम इस बात में दुआगो भी हैं कि अल्लाह पाक उनको मुकम्मल तौर पर सेहत याबी दे,
लेकिन सर क्या इसहाक डार साहब मुकम्मल तौर पर सेहत याब होकर वापस आ रहे हैं? क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वो वजारत खजाना कलमदान संभालें और खुदा ना खास्ता अपनी बीमारी या दीगर वजूहत की वजह से फिर पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े। या फिर दूसरा सवाल ये कि अगर आइंदा चंद दिनों बाद या चंद महीनों बाद या चंद हफ्तों बाद अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रहेगी तो क्या फिर इसहाक डार साहब को तलाश करने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़ेगा? देखिए, इनकी बीमारियाँ भी बड़ी दिलचस्प होती हैं, मैं इनके बारे में नहीं कह रहा, ये हालात के मारे बीमार हैं। हालात अच्छे नहीं थे तो ये बीमार थे। वजारत के मारे बीमार नहीं, हालात है ना उनके अपने हक के हालात, उनके जाती हालात। अल्लाह पाक सेहत दे, शिफा दे। अल्लाह हालात ना, शिफा तो मिल गई उनको, काफी शिफा मिल गई है, कुछ गोलियां और भी खा लेंगे इधर, और भी अल्लाह ताला इनको जिंदा रखे, क्योंकि मुल्क के लिए तो नागुजीर है। तब उम्र खजर की दुआ हम दे रहे हैं उनको लगे। लेकिन मसला ये है कि तीन दफा आने वाली जमात एक वजीर आजम एक वजीर खजाना अल्टरनेटिव पैदा नहीं कर पका। वो आरजी जो इंतजाम था वो गालियां खा के जग गया। भाई तुमको तो तमीज नहीं है, तुमने तो आपको लग रहा है कि तख्ता उलट कर रख देंगे सागदार सब आते यार? तख्त या तख्ता वाली बात है भैया, एक आम आदमी तो ये नहीं कहेगा कि तख्ता उलट देंगे। किसका तख्ता उलट देंगे? पहले उल्टा महंगाई के तख्ते की बात कर रहे हैं आप। आप जानिए साहब, आप कहीं चले जाते, मैं तो आपसे कह रहा हूँ महंगाई के ऊपर जो आवाम परेशान है। बात करते हैं आप जो है ना दो धाली तलवार पर बात करते हैं, सवाल इधर करते हैं, आप जो है ना गुगली करते हैं, दिखाते इधर है और टर्न उधर होती है। चले गुगली गुगली का आपने कहा तो आप जरा गुगली हमारे पीछे प्रोड्यूसर साहब भी कर रहे हैं, कह रहे वक्त मुकम्मल हो चुका, वो ना जाने कौन से वक्त की बात कर रहे हैं। आज प्रोग्राम के लिए मेरे ख्याल से फिलहाल इतने। जहांगीर साहब आपकी मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ फरमा हो और आपने अपने तजुर्बे से एक बार फिर से हमें मुस्तफ़ीद किया। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आवाम को पसंद आया होगा। लेकिन आवाम को मैं खुशखबरी देता चलूँ कि अब आपके अच्छे दिन आ चुके हैं, बस आप समझें कि हवाओं के दोष पे हैं और चंद ही दिनों में या चंद ही लम्हात में ये अच्छे दिन पाकिस्तान की सरजमीन पे एक बार फिर से लैंड करेंगे और फिर पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त वजीर खजाना इसहाक डार साहब जब हल्फ उठाएंगे तो आपकी तकदीर ऐसे बदलेगी कि आप खुद अश अश करते रह जाएंगे। डॉलर यकीन तौर पे 210 पे आ जाना चाहिए, महंगाई जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है वो कम होती हुई नजर आनी चाहिए, पेट्रोल की कीमतों में बड़ा होशुबा कमी होती हुई नजर आएगी। ये सब होगा और आप इस बारे में पुरउम्मीद रहें, मुतमईन रहें, इंशाल्लाह ये सब होगा। और अल्लाह पाक से दुआ करें कि आपके हमारे ये जो तमाम दर लीडरान जो अपनी बीमारियों की वजह से मुल्क में इलाज नहीं करा पाते, अल्लाह पाक इनको सेहत दे ताकि मुल्क में मौजूद रहें और फिर हम इनसे सवाल भी कर सकें कि आपने अपने दौर में क्या किया। आज के लिए अपने मेज़बान मुमिन को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।